नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर के आए हैं गवर्नमेंट मॉडल पब्लिक स्कूल कादीपुर के अंदर। कहते हैं कि बच्चों की नींव बचपन में ही रखी जाती है, और इसी नींव को अगर यदि कच्चा कर दिया जाए या खोखला कर दिया जाए तो फिर बच्चों का भविष्य ही खराब हो जाएगा। बच्चों की नींव जो है स्कूल में रखी जाती है, आप देख सकते हैं स्कूल की हालत खुद कैसी है, लगभग 2 फुट नीचे गहराई में जा चुका है ये स्कूल, बच्चे जिसमें बैठते हैं। और इस स्कूल की हालत ऐसी है कि ये क्या बच्चों को पढ़ पाएंगे यहाँ पर, कैसे वो यहाँ पर अपना भविष्य बना पाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी दीवारें खस्ता हाल हालत में हैं, ऐसी दीवारें हैं कि शायद नेताओं के शौचालय की दीवार भी ऐसी नहीं होती जैसी यहाँ के स्कूल की दीवार है, क्योंकि यह सरकारी स्कूल है। यहाँ पर किसी तरह की संसाधनों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी स्कूल की हालत इतनी दयनीय है। इतना पुराना, लगभग 40 से 50 साल पुराना स्कूल बताया गया था यहाँ के जो टीचर है उनके द्वारा, और बताया गया था कि स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर गर्मियों में बैठने की व्यवस्था बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हैं एक क्लास में 42 बच्चे बैठे हुए हैं। हम इस टीचर से भी आपको बात कराते हैं, इनके द्वारा भी हमें जानकारी दी गई थी। बाकी आपको मैं इस खबर में आगे भी बताऊंगा कि स्कूल में हमने और क्या क्या देखा, किस तरह की परेशानियों से बच्चे जूझ रहे हैं। स्कूल की दीवारें खुद अपनी कहानी कह रही हैं। आइए देखिए यह रिपोर्ट हमारे साथ में। बच्चे 3 दिन बैठे हुए हैं एक डेस्क पे, और क्या कहें, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये कुछ कह नहीं सकते। हम बड़े हैं, कम से कम हमें तो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए चाहिए। जो इस क्लास में बता रहे हो कि 40 से अधिक स्टूडेंट बैठे हुए हैं एक एक बेंच के ऊपर, 3 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बैठने की जगह भी कम है, तो आप बताइए कब से है ये, किस तरह से आप परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं इस क्लास के अंदर? सेशन हमारा मार्च में शुरू होता है, अप्रैल में जी, तो अप्रैल से ये हाल है हमारे पास। बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और बच्चे मतलब बैठने की स्पेस ना होने के कारण हम और बच्चों का एडमिशन कर भी नहीं पा रहे इंग्लिश मीडियम में, और एक क्लास में 42 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं इस टाइम, और ना हमारे पास पंखे की व्यवस्था है और ना ही हमारे पास बिजली की व्यवस्था है। तो बच्चे भयंकर गर्मी में, 2 4 बच्चे ऐसे हुआ कि लास्ट टाइम बेहोश हो गए, तो उनके कारण हमने अपने खर्चे से ही पंखे लगवाए और बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। जो फंड है स्कूल में आता है सरकार की तरफ से, उसमें क्या यूज़ किया जाता है? सर, सरकार की तरफ से जो फंड आया था वो बहुत कम था, उसमें स्कूल में जो पानी भरा, छोटे मोटे कार्य हो पाए, क्योंकि जो नलके हैं वो टूट जाते हैं, छोटे बच्चे उन्हें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे छोटे मोटे कार्यों में ही वो फंड यूज़ हो जाता है। तो ऐसा कोई बड़ा बजट आता नहीं है जिससे स्कूल के विकास में कुछ खर्च हो पाए। तो जो बच्चों की फीस भी आती है, आप मॉडल स्कूल में हैं तो यहाँ पे 200 रुपये पर हेड बच्चे के स्कूल की फीस ली जाती है, उस फंड का भी क्या यूज़ नहीं किया जाता है? सर, उस फंड को हम एक हमारा अकाउंट है उसमें जमा करा देते हैं, विभाग की तरफ से हमें उसे खर्च करने का कोई आदेश नहीं है, बिना आदेश के हम उसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते। मैम, जैसे कि ये संस्कृति मॉडल स्कूल है, अगर इसका ऐसा हाल है तो नॉर्मल स्कूलों का क्या हाल होगा? आप इसकी दीवारें देख सकते हैं कितनी गंदी है, इसकी खिड़की कितनी ख़राब है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पीछे इतनी ऊंचाई है कि शायद पानी भी यहाँ से आता हो या मच्छर आते हो बाहर, तो ऐसे में इन बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है कि टीचर के लिए खासकर। तो एज ए टीचर आप क्या चाहते हैं, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए इस क्लासरूम में? सर, एक छोटे बच्चों की क्लास के लिए सबसे ज़रूरी जो व्यवस्था है वो पानी की होनी चाहिए। आपने पानी का हमारा देखा होगा सिस्टम, जो बिल्कुल पानी की व्यवस्था पूर्ण नहीं है। हमने अपने आरओ पैसे से आरओ का खर्चा किया, बट उसको भी ठीक नहीं करवाया जा रहा। पहली व्यवस्था तो हम साफ पानी की कहते हैं, उसके बाद बिजली की व्यवस्था होती है। बरसात में हमारे यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी भर गया और बच्चों को हम बिठा नहीं पाए, जिसके लिए हमने बच्चों को वहाँ ले जाकर दूसरे बरामदों में बिठाया और बिना पंखों के। तो एज ए मॉडल संस्कृति के लिए मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो हमारे यहाँ जो कमरे हैं उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद बिजली की व्यवस्था की जाए। इस भर गर्मी में 45 बच्चों की क्लास में एक पंखे से आप समझ सकते हैं कि कितना गुजारा होगा। तो मेरी मतलब पत्रकार महोदय आपसे नम्र निवेदन यही है कि इन दीवारों को देखते हुए, इन व्यवस्थाओं को देखते हुए आप मेरी बात को अच्छे से रखेंगे और विभाग स्तर की तरफ कोई एक कार्य लेगा, क्योंकि आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, ये बोर्ड भी हमने स्वयं पेंट करे हैं। विद्यालय के समय के बाद हमने अपने बोर्डों को खुद पेंट किया है और उनकी यही जर्जर व्यवस्था है। तो आप कहना चाहते हैं सरकार से उतना फंड नहीं आ रहा जितना आना चाहिए इस स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए? जी बिल्कुल, तो मेरी तो यही आपसे गुजारिश है कि दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियां नहीं हैं, कोई एग्जॉस्ट की व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी कक्षा में एग्जॉस्ट होना बहुत ज़रूरी है।
आप देख पा रहे होंगे कि एग्जॉस्ट भी नहीं है और कोई ऐसी हवा का निकासी प्रॉपर नहीं। छोटी सी कक्षा है ये जहाँ की इतने बच्चे हैं, और बच्चों का अगर आप टैलेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मगर ये असुविधाएँ जो इन्हें हो रही हैं उसके लिए मैं हाथ जोड़ के विभाग की तरफ से कहना चाहूँगी कि वो हमारी समस्या को सुने और सुलझा। कितने बच्चे मैम आपकी क्लास में? 42 बच्चे हैं और छोटा सा कमरा है अभी तो। हाँ, आज तो केवल 31 बच्चे आए, और बच्चे आ जाएंगे उनको कहाँ बैठाओ? सांस लेना भी मुश्किल होता है कमरे में, कैसे बढ़ाएंगे फिर हम? तो सुना दर्शकों आपने कि खुद अध्यापिकाएं बता रही हैं इस जगह के बारे में कि कितनी खराब जगह है, किस तरह से वह यहाँ पर पे गुजारा कर रहे हैं बच्चों के साथ में। ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से दरी के ऊपर बैठे हुए हैं। आज भी आपको याद होगा दर्शकों कि शायद जो लोग बड़े हैं, जो हमारे दर्शक बड़े हैं लगभग 40 साल या 35 साल जिनकी एज है, वो जानते होंगे कि आज से लगभग 30 साल या 35 साल पहले बच्चे इस तरह से क्लास में बैठा करते थे सरकारी स्कूल के अंदर। और 35 साल के बाद भी यदि सरकारी स्कूल में बच्चों को आज भी इसी तरह दरी के ऊपर बैठना पड़े, इतनी गंदगी के कमरों में बैठना पड़े, तो लानत है ऐसी सरकार पर जो सरकार बच्चों को स्वच्छ कमरे तक नहीं दे सकती, स्वच्छ वायु उपलब्ध नहीं करा सकती है और स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकती है क्लासरूम के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर। अगर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं होती है तभी गरीब लोग, गरीब माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति रिक्शा भी चलाता है तो वह भी यह सोचता है कि उसका बच्चा सरकारी में ना जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए। सरकार ने मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पर स्कूल तो खोल दिए हैं लेकिन सुविधाएँ नगण्य हैं उनमें। सुविधाओं के नाम पर आप देख सकते हैं टूटी हुई दीवारें। क्या सरकारी स्कूल इस तरह के होने चाहिए थे? क्या यही एक सपना हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह के स्कूल में पढ़े? आप इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास बनी हुई है फर्स्ट फ्लोर पे लेकिन इसकी छत नहीं पड़ी हुई है। दोस्तों क्या लगता है कि इस तरह का भी कोई स्कूल हो सकता है? देखिए किस तरह ग्राउंड में पानी भर जाता है, बच्चे के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है पर्याप्त मात्रा में, झूलने के लिए झूला नहीं है पर्याप्त मात्रा में, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं स्कूल के अंदर। क्लास के अंदर इतनी गंदगी है कि आप शायद ही अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहेंगे, लेकिन यदि मजबूरी ना हो तब, यदि मजबूरी है तभी यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है सबके द्वारा। गर्मी के मारे बुरा हाल होता है बच्चों का और पानी उन्हें स्वच्छ चाहिए होता है। तो आप ये देख सकते हैं यह टंकी जो कि बाटा के CSR सहयोग से बनवाई गई थी लेकिन पानी यहाँ पर नाम मात्र का भी नहीं है क्योंकि यह खराब हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ये पीने का पानी यहाँ पर बच्चों को जो है साफ स्वच्छ उपलब्ध पानी नहीं मिल पाता है। बच्चों के लिए टॉयलेट रूम में आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह से हम अपनी खबर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि टॉयलेट कितने गंदे हैं यहाँ पर, शायद बच्चों को बीमार न कर दें ये इस तरह के टॉयलेट यहाँ पर बने हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा अध्यापक अध्यापिकाओं का भी जो टॉयलेट है, जो शौचालय है वह कितना साफ है, वहाँ पर साबुन भी रखा हुआ है उसके अंदर। आप देख सकते हैं कि क्या सिर्फ जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं या जिनको हम कहते हैं बच्चे की भाषा में कि स्टाफ टॉयलेट, यानी कि सिर्फ टीचर ही जा सकते हैं और बच्चे की एंट्री बैन है यहाँ पर, क्या उन्हें ही अधिकार है इस तरह के टॉयलेट शौचालय यूज़ करने का? बच्चों को नहीं है क्या? सरकार को ये चीज़ नहीं दिखती है कि इस तरह के शौचालय हमारे बच्चे भी यूज़ करें? क्या कमी है सरकार के पास फंड की? फंड खूब है, बहुत फंड है। इस बारे में हमने जो BEO है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मैडम, उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की फ़ोन पर भी, ना ही हमारी व्हाट्सअप चैट का उन्होंने कोई जवाब दिया था। हम उनसे मिलने दफ्तर भी गए थे उनके, उनके ऑफिस में जाने के बाद पता चला कि BO मैडम ऑफिस में कम बाहर ज़्यादा होती हैं। खैर कोई बात नहीं, BO मैडम को ये जवाब देना पड़ेगा अधिकारियों के सामने
कि आखिर क्या माजरा है, क्यों सरकारी स्कूल के लिए फंड नहीं है, आपको बताना चाहेंगे कि इस सरकारी स्कूल के अंदर अभी तक बच्चों को किताबें तक नहीं मिली हैं। सिर्फ 50% बच्चों के पास में किताबें आई हैं, जो कि आप जान सकते हैं कि क्लास में किताब का होना कितना ज़रूरी है एक बच्चे के पढ़ने के लिए। यदि किताब ही नहीं होगी तो क्या पढ़ेगा। झूला आप देख सकते हैं, क्या हालत है इस झूले की, क्या इस झूला पे कोई झूल पाएगा। ये क्लास देखिए कितना अच्छा होता यदि ये क्लास के ऊपर एक छत पड़ जाती। विभाग की तरफ से छत नहीं पड़ी है, दीवारें खड़ी हो गई हैं। क्या ऐसे होते हैं स्कूल? क्या इन्हीं स्कूलों की वानगी दी जाती है खट्टर सरकार के द्वारा, जबकि कहा जाता है कि दिल्ली में ख़राब है, हरियाणा में बुरा हाल है और ऐसे है हमारे स्कूल, देखो जनता बेहाल है। यही बात है कि सर शायद सरकारी स्कूल बेहाल हैं और दिल्ली के स्कूलों के लिए कहा जाता है कि वे मॉडल बन चुके हैं, रोल मॉडल बन चुके हैं, बल्कि बाकी स्कूलों के लिए। आपको क्लास दिखाते हैं दोस्तों, देखिए किस तरह से बच्चे इतनी गंदगी भरी क्लास यहाँ बैठते हैं, इन दरियों के ऊपर बिछा करके नीचे ज़मीन पे भी और दरी के ऊपर भी बैठते हैं बच्चे। कितने शर्म की बात है हमारे लिए, सरकार के लिए, कि बच्चे आज के इस युग में इस तरह से नीचे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इसको मॉडल क्लास कहते हैं। मॉडल क्लास में सिर्फ बच्चों के बैठने के लिए बेंच हैं, बाकी आप क्लास का नज़ारा देख सकते हैं कितनी गंदी क्लास है। यहाँ पर स्वच्छ वातावरण नहीं होगा, क्या बच्चे वहाँ पर पनप पाएंगे? जब पौधे नहीं पनप पाते गंदे भरे वातावरण में तो बच्चे कैसे पनप पाएंगे? उनका बिहेवियर, उनका माइंड वैसा ही चलेगा। आप देख सकते हैं मॉडल क्लास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेंच उपलब्ध है, पंखा भी गायब है। बहुत खुशी की बात है कि पंखा तक नहीं है आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं। इन क्लास के अंदर अव्यवस्थाओं का बुरा हाल है और शायद यही वजह है कि आज गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते, और सिर्फ जो भेजना भी चाहते हैं तो वो ऐसी हालत देख करके शायद रुक जाते हैं। आपको ये खबर दिखाने का हमारा यही उद्देश्य है दोस्तों, कि आप आवाज़ उठाएं, सरकार तक अपनी आवाज़ उठाएं, हमें कमेंट्स करें, नीचे लिखें कि क्या होना चाहिए सरकारी स्कूलों का इस तरह का या नहीं। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी नहीं है, दोषी हम और आप भी हैं, क्योंकि हम और आप जब आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है उठने से पहले ही। दोस्तों आवाज़ उठाइए, सरकार को बताइए किस तरह का स्कूल है यहाँ पर। गादीपुर जो है, ये स्कूल है कादीपुर गांव के अंदर, गुरुग्राम का।